हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लैंग्वेज म्यूजिक प्रोडक्शन। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेस्ट वीएसटी प्लगइन फॉर ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक। मैं इस प्लगइन को लास्ट एक महीने से यूज कर रहा हूं एंड मेरे को काफी इंटरेस्टिंग ये प्लगइन लगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं इस प्लगइन को शेयर करूं, इसका ओवरव्यू शेयर करूं। प्लगइन का नाम है यूजैम स्ट्रिंग्स। नहीं, जो इसका नाम है ना वो है स्ट्रिंग्स। आई अगर आप देखोगे तो काफी सारे आई इन्होंने लगाए हैं, यूज किए हैं। अब एक काम करते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा चलते हैं FL स्टूडियो पे एंड देखते हैं कैसी ये प्लगइन परफॉर्म करती है। तो ये है प्लगइन आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे काफी इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी ज्यादा सिंपल है। बट यहां पे मैं आपको यूजर इंटरफेस के बारे में नहीं बताने वाला हूं, मेन इसके हैं प्रीसेट्स, मैं आपको वो सुनाने वाला हूं। सो ये है इसका प्रीसेट्स का सेक्शन, यहां से जाके आप कोई भी प्रीसेट चूज कर सकते हो। सो यहां पे सबसे पहले हम चूज करते हैं आरपीजिएटेड साउंड डिजाइन, प्ले करके सुनते हैं क्या साउंड मिलती है। तो जैसा कि आप सुन सकते हो अमेजिंग साउंड्स है, एकदम ऐसा लगता है कि अभी आप कोई फिल्म देख रहे थे, पीछे का बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है जस्ट एक सिंपल नोट से। और टेस्ट करते हैं, मैं काम करता हूं यहां पे एक लैच का बटन है, मैं इसको ऑन कर लेता हूं, उससे क्या होगा मैं कोई भी की प्रेस करूंगा एंड उसके बाद मैं उसको रिलीज कर दूंगा, तब भी वो नोट प्ले होता रहेगा। एंड उसका फायदा क्या होगा, यहां पे हम जो प्रीसेट्स है उसको देख पाएंगे, मैं प्रीसेट्स को चेंज करता रहूंगा। तो जैसा कि आप सुन सकते हो अमेजिंग प्रीसेट्स हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, टेम्पो अभी 140 है, सो बहुत सारी आपको साउंड्स बहुत फास्ट लग रही होंगी, लेकिन वो मैच कर रही थी जो फील था। फिर से सुनते हैं और प्रीसेट्स को, मैं टेम्पो थोड़ा सा कम कर लेता हूं, मैं 120 कर लेता हूं। This one is amazing.
तो जैसा कि आपने देखा कितना अमेजिंग ये प्लगइन है, ये जो प्लगइन है ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है, बिकॉज जस्ट एक क्लिक से मतलब कि एक की को प्रेस करके, अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड नहीं है सो आप पियानो रोल पे भी जस्ट एक नोट को ड्रॉ करके इतने बढ़िया तरीके से फ्रेजेस बना सकते हो जो मूवीज में यूज होते हैं। बैकग्राउंड फिल्म स्कोरिंग जो होती है वहां पे इस टाइप का म्यूजिक जरूर चलता है, एंड आजकल काफी ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स भी आ रही है यूट्यूब पे। तो अगर आप इस प्लगइन को लेते हो एंड उसके थ्रू आप म्यूजिक बनाते हो, किसी भी शॉर्ट वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बनाते हो, सो उससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।